सारे हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। दिल्ली में ये बैठक हो रही है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक चल रही है। कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। इसके पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद सीसी की बैठक हुई थी, इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, अब उसके बाद यह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तय की गई थी। 28 और 29 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज 28 तारीख है, यानी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। उसके बाद जो है 30 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तब नामों का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस तरफ से कहा गया है, कांग्रेस आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, परसों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। विनोद लांबा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनोद, बैठक में कौन कौन मौजूद है अभी और कौन नेता नदारद है? क्या इस बार अशोक तंवर बैठक में है या नहीं? नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नहीं है आदित्य, तो अशोक तंवर के होने का कोई सवाल ही नहीं होता इस बैठक में। और ये यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा कुमारी शैलजा, जो कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य हैं, और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद साहब, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इस कमेटी की जो चेयरमैन है आदित्य, वो मधुसूदन मिस्त्री हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। देवेंद्र यादव इसके एक सदस्य हैं और एक महिला जो प्रियंजन है वो इस बैठक की सदस्य है, यानी कि 6 मेंबरों की स्क्रीनिंग कमेटी थी। सभी 6 के 6 मेंबर इस बैठक में मौजूद हैं। 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और अभी लगातार आप लगा सकते हैं कि 4 घंटे का वक्त हो चुका है आदित्य, और अभी लगातार ये बैठक जारी है। और निश्चित तौर पर एक आधिकारिक और पहली बैठक कही जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी कांग्रेस की वो चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें तमाम जो सदस्य थे वहां आपका सवाल वाजिब है कि वहां अशोक तंवर नहीं आए थे। और एक रिपोर्ट आदित्य ये भी है कि अशोक तंवर को लेकर जो आपका सवाल था उसमें आदित्य मैं ये भी जानकारी साझा कर सकता हूं कि अशोक तंवर ने मधुसूदन मिस्त्री, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, उनको उनसे मुलाकात करके अपने जो समर्थक हैं या फिर कहें कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहने के नाते जो नाम थे उन्होंने अपनी तरफ से सिफारिश करने का काम अलग से किया है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ना होने के चलते आज अशोक तंवर के यहाँ होने का कोई मतलब नहीं था। और अब देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक, जो कि 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुके हैं, कब तक बैठती है, 90 सीटों पर कहाँ तक चर्चा पहुंचती है और किस तरह के पैनल के साथ एक कमेटी किसी कंक्लूजन के साथ आज इस मीटिंग को समाप्त किया जाएगा। और एक जानकारी जो आपने दी बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने, एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जो कि कल होगी रविवार को, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सीईसी है जो कांग्रेस की, वहां नामों पर मोहर लगाकर टिकट डिक्लेरेशन का काम किया जाएगा। जी आदित्य। नहीं विरोध, एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान के पहले ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस जो दांव खेलने जा रही है वो ये खेलेगी कि बीजेपी के जो बागी हैं, यानी तो कांग्रेस इस बात का इंतजार जरूर करेगी कि अगर इस मसले पर काम करना है तो पहले बीजेपी की लिस्ट आ जाए उसके बाद। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, और जिन नामों पर बिल्कुल श्योरिटी होगी या कहें कि जिन नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां टिकट ऐलान की जा सकती है 30 तारीख को, और बाकी टिकटों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह से सरकार में रहते हुए तमाम दावेदार खड़े कर लिए हैं और हर किसी को तो टिकट मिल नहीं सकता, जो मजबूत एक जंजी और एक जंगी घोड़े की कहावत आपने राजनीतिक लिहाज से आदित्य जरूर सुनी होगी कि जंगी घोड़े तो मैदान में उतरेंगे ही, और अगर जंगी घोड़ा कोई मैदान में बीजेपी का बाकी होकर उतरता है और उस सीट पर संभावना होती है कि कांग्रेस का कोई मजबूत दावेदार अपनी दावेदारी ना ठोकरा हो या आलाकमान को या जो हरियाणा के नेता लगते हैं, तो निश्चित तौर पर उसे हाथों हाथ लेने की कोशिश जेजेपी भी करेगी और कहीं ना कहीं प्रयास इसमें कांग्रेस भी करेगी। नहीं, कांग्रेस ये चाहेगी कि ये कांग्रेस के दिमाग में भी, और साफ तौर पर जो कुमारी शैलजा हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी चाह रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, इस फॉर्मूले पर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये इस तरह की रणनीति निश्चित तौर पर होती है और सभी पार्टियों की होती है और कांग्रेस भी निश्चित। आवाज मिल पा रही विनोद? तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसके पहले सीसी की बैठक हुई थी, उसके बाद आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक और होनी है, उसके बाद
पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और कहा यह भी जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। यानी 28 और 29 आज और कल छुट्टी है, यानी आज और कल नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया सकते और 4 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है, उसके बाद 5 तारीख को स्क्रूटनी होनी है। तो यानी 4 यानी कि समय अब बहुत कम है। 2 अक्टूबर को भी छुट्टी है, 1, 3 और 4 का समय जो है और 31 समय बचे, ये समय बचेंगे, इन समय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हैं। तो अभी उम्मीदवारों के नाम पर जो संशय बरकरार है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बरकरार है। दोनों जगह बैठकों का दौर लगातार जारी है और बैठक करने के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। और सभी ये चाह रहे, दोनों पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चाह रही कि उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो हमें सीट दिला सके, जो जीत दिला सके और जो हमारी संख्या में बढ़ोतरी कर सके। तो साफ तौर पर ये जो है इसी रणनीति के तहत कांग्रेस भी काम कर रही है, कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है और बैठक करके उन नामों पर चर्चा की जा रही है जहां से एक प्रबल दावेदार हम मैदान में उतारे। और साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो 17 सिटिंग MLA हैं उनको अवश्य टिकट दिया जाएगा, यानी उनको टिकट जरूर दिया जाएगा और वो मैदान में उतरेंगे।